आज संसद में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, श्रीमती सोनिया गांधी जी काले वस्त्र पहनकर अपना विरोध जता रहे हैं। पूर्व न्यायाधीश ललित जी कहते हैं कि देश के अंदर बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, इससे आपको हमें देश के करोड़ों लोगों को रोका नहीं जा सकता है। लेकिन जब पूर्व न्यायाधीश ये कह रहे थे तो केंद्र की सरकार के तानाशाह सरकार के मंत्री, कानून मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं कि ये पूर्व न्यायाधीश कांग्रेस की टूल किट के सदस्य हैं, देशद्रोही हैं। शर्म आती है आप पर भाजपाइयों कि आज पूर्व न्यायाधीशों से लेकर आप हर एक को जो है देशद्रोही बता रहे हैं। आप सबको मैं कहूंगी, हम सब भी सोच रहे थे कि राहुल गांधी जी की सदस्यता चली गई, राहुल गांधी जी जेल भेजे जा सकते हैं, आगे क्या रास्ता है। लेकिन राहुल गांधी जी एक प्रेस वार्ता करते हैं जिसका बेसब्री से हम सबको इंतजार था कि हमारा नेता राहुल गांधी हम सबको आगे क्या लाइन देने वाले हैं। श्री राहुल गांधी जी ने साफ कह दिया, हम सबको कहा बताइए देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कौन सी संसद के सदस्य थे, ना वो कभी लोकसभा रहे, ना वो राज्यसभा में रहे, ना गवर्नर रहे, ना विधायक रहे, ना मुख्यमंत्री मंत्री रहे। लेकिन महात्मा गांधी किसी भी सदन के सदस्य न होते हुए भी इन अंग्रेजी ताकतों की नींव हिलाकर रखी हुई थी। यही गलतफहमी इनकी दूर करके सदस्यता रद्द करके उन्हें जेल भेजकर लोकतंत्र की आवाज को वो दबा सकते हैं, तो उनकी गलतफहमी भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के एक एक युवा ने यहां पर आकर साबित कर दी कि एक आवाज दबाएंगे करोड़ों लाखों आवाजें गूंज उठेंगी इस तानाशाह सरकार के खिलाफ जो यहां पर हम देख भी रहे हैं। मैं आपसे को कहूंगी ये जंग 2024 तक की नहीं है, ये जंग इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को जिंदा रखने की है, ये लड़ाई इस देश के संविधान को जिंदा रखने की है, लोकतंत्र को जिंदा रखने की है। हमें नहीं मालूम आगे फैसला क्या आएगा श्री राहुल गांधी जी को लेकर, पर आप इस बात को जानते हैं कि राहुल गांधी जी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा की, इन संघी भाजपाइयों को उम्मीद रही थी कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक देश सड़कों पर निकल आएगा इस भारत के युवा को राहुल गांधी को सुनने के लिए। भाजपा वहीं से बौखला गई थी, साजिशें शुरू हो गई थी कि श्री राहुल गांधी जी की आवाज को जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक है, कौन मिले थे उन्हें रास्ते में, उन्हें देश का अन्नदाता किसान मिला था जो आज भी दिल्ली की दहलीज पर आकर बैठा हुआ है। वो किसान की आय दुगनी करने का वायदा था, उस किसान को कर्ज से निकालने का वायदा था, उस किसान को MSP न्यूनतम मजदूरी न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने का वायदा था, नहीं हुआ। भारत जोड़ो की वो आवाज थी जो संसद में गूंज रही थी। देश के करोड़ों बेरोजगार युवा राहुल गांधी जी को मिलते हैं, राहुल गांधी जी उनकी आवाज संसद में बन रहे थे। हमारी करोड़ों लाखों बहने जो देश में कभी बलात्कार शोषण अत्याचार का शिकार है, श्री राहुल गांधी से भारत जोड़ो यात्रा में मिली, और दिल्ली की पुलिस श्री राहुल गांधी जी के घर भेजी गई कि राहुल गांधी बताएं कौन सी वो बहनें हैं जिनके साथ बलात्कार शोषण हुआ और न्याय फांसी के तख्ते को चूम जाने के लिए तैयार है। बार बार राहुल गांधी कल आपने हमारी नेता प्रियंका गांधी जी को भी सुना होगा, बार बार अपमान किया जाता है श्री राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी के पिता का। वो मात्र उनके पिता नहीं थे, वो शहीद राजीव गांधी जी ने देश के प्रधानमंत्री युवा रहे और इस देश के लिए कुर्बानी की, जिसका अपमान ये संघी गद्दार अंग्रेजों के गुलाम थे उस समय वो करते रहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस को कहूंगी, कल हमने आंसू देखे प्रियंका गांधी जी की आंखों में कि किस तरीके से उनके भाई का बार बार नाम लेकर उनकी शहादतों को अपमानित किया जाता है। मैं आपको कहूंगी, अब भी जिसका खून ना खोले वो खून नहीं, वो खून नहीं, कुर्बानियां दी हैं। आज ये देश
कांग्रेस से एक बार दम रखता है, लेकिन ठानने की बस कमी है, उसी को लेकर हम यहां पर आए हैं। मैं युवा कांग्रेस के साथियों को एक और बात कहना चाहती हूं। कल हम जब राजघाट में बैठे थे, 6 घंटे तक बैठे थे, ये बात आई वहां पर कि हम पर मानहानि के दावे किए जा रहे हैं। जब नेहरू गांधी परिवार का, राहुल गांधी जी का अपमान किया गया, सोनिया गांधी जी का अपमान किया, तब हम चुप रहे क्यों रहे? हमने तब इन पे मानहानि के दावे क्यों नहीं किए? मैं यही कहूंगी, देर नहीं हुई, अभी भी हिमाचल, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकारें हैं। मैं कहती हूँ एक इशारा करिए, इनकी नींव हम वहीं से उखाड़ना शुरू कर देंगे। एक एक नेता जेल जाना शुरू होगा अपनी कथनी के ऊपर। लेकिन हमारी पार्टी गांधीवादी पार्टी है, माफ करना जानती है, माफ करती रही, लेकिन अब माफ करने का समय नहीं है, अब इन संघियों से बदला लेने का समय है, क्योंकि अब अति हो चुकी है, अब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है। अब हमला सीधा हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी पे किया गया है। मैं ज्यादा नहीं कहूंगी, युवा कांग्रेस के हमारे साथी, हमारे भाई श्रीनिवासन जी कर्नाटका जिस राज्य से आते हैं, मैं उन्हें कहना चाहूंगी, श्रीनिवासन भाई, प्रभारी कृष्णारावरु जी, मैं आप सभी से कहूंगी, एक एक युवा जो आज जंतर मंतर पर आया हुआ है, सबको यहां से कर्नाटक रवाना कर दीजिएगा। इनकी नींव उखाड़ कर हम दिखाएंगे, इनकी उल्टी गिनती दक्षिण भारत के सबसे बड़े राज्य कर्नाटक से होगी, मैं लिख कर दे रही हूं। उखाड़ेंगे इन्हें हम, बिना डरे उखाड़ेंगे। लाठियां हो, जेल जाना हो, फांसी के तख्ते पर ये देश कुर्बानी मांग रहा है। तैयार है कुर्बानी देने के लिए? कुर्बानी देने के लिए तैयार है? इस तानाशाह सत्ता को झुकाने के लिए तैयार है? डरेंगे तो नहीं, पीछे हटेंगे तो नहीं, इस तानाशाह सत्ता को सबक सिखा कर रहेंगे, इनका अहंकार तोड़ कर रहेंगे। फिर कहूंगी, कितने बाजू कितने सर, उठाइए अपने दोनों बाजू, उठाइए दोनों बाजू, उठाइए दोनों बाजू, और लास्ट में कहूंगी, कितने बाजू कितने सर, मेरे पीछे बोलिए और दोनों हाथ ऊपर उठा के स्थाना शासक को, कितने बाजू कितने सर, गिल्ले दुश्मन जान के, हारेगा वो हर बाजी जब खेलेंगे हम जीत जान से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि आप इसी मजबूती और इसी ताकत हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं, जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अलका लांबा जी, आपने बहुत ही जोशीला भाषण देकर सभी युवाओं को आंदोलित किया है। हमारे बीच यहाँ पे जो हमारे युवा साथिया है, आपको पता है कि राहुल गांधी जी ने आज, जिसके कारण, राहुल गांधी जी के कारण हमारे समय पे बहुत सारे युवा नेताएं सदन में सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी के कारण बैठने का मौका उनको मिला है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने युवाओं का साथ दिया। युवा कांग्रेस के प्रभारी होते हुए राहुल गांधी जी ने दरवाजे खोल दिए देश के आम लोगों के लिए, देश के आम जनता के लिए, कि वो राजनीति में भाग ले। और आज, आज उस इंसान, जिस इंसान ने आम घरों से लोगों को निकाल के राजनीति में जिसको जोड़ने का काम किया है, आज भाजपा समझती है कि उनको सदन से डिस्क्वालिफाई करके देश के युवाएं शांत बैठेंगे। देश के युवाएं, इसका जवाब आप पत्थर से दोगे, ईंट का जवाब आप कैसे दोगे? देश के युवाओं को भी, देश के युवाओं को भी ललकारने की हिम्मत इस गूंगी बैरी सरकार ने राहुल जी का सदस्यता को डिस्क्वालिफाई करके किया है। देश के युवाएं, देश के महिलाएं, देश का हर वो व्यक्ति जिसके लिए राहुल गांधी जी ने आवाज उठाया है, वो अब
चुप नहीं बैठने वाले हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी ने महिलाओं की, युवाओं की, बेरोजगार युवाओं की, किसानों की, आम दुकानदारों की, हर वो इंसान जिसकी जरूरत, जिसके खिलाफ इस गूंगी बैरी सरकार ने गलत नीतियां बनाए हैं, उनके उनकी बात सुनी, उनको अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व पे पूरा विश्वास है। उनको विश्वास है कि राहुल गांधी जी ही वो इंसान है जो देश के लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं। भाइयों, बहनों, युवा साथियों, सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त को बचाने के लिए, एक ऐसे दोस्त जो भाजपा के फंडर रह चुके हैं, जिसके चलते आज भाजपा जो चाहे जितना पैसे जहां चाहे फूंक सकते हैं ताकि वो एमएलए को खरीद सके, एक ऐसे दोस्त जो अदानी के नाम से जाना जाता है, जो भाजपा का दोस्त है। पता है, हमने तो ये गाना सुना, ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, सुना या नहीं? पर ये मोदी और मोदी के सरकार क्या गाते हैं पता है? मोदी और उनकी सरकार गाती है, ये मोदी गाता है अदानी के लिए, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे देश को मगर, संसद को म्यूट कर देंगे मगर, को खत्म कर देंगे मगर, मोदी का साथ ना छोड़ेंगे। ये मोदी अदानी ऐसे पक्के ग्लू है, अगर हमें देश को बचाना है तो इस गूंगी बैरी सरकार को उखाड़ के फेंकना होगा, और इस गूंगी बैरी सरकार को उखाड़ के हम तब फेंक पाएंगे जब हमारे एक एक युवा साथी, एक एक देश के वो लोग जो लोकतंत्र में मानते हैं, जो राहुल गांधी जी में मानते हैं, जब हम गांव गांव जाएंगे, गली गली जाएंगे और हम राहुल गांधी जी के बारे में, इस सरकार ने किस तरीके से राहुल गांधी जी की आवाज को दबाने की कोशिश है, पर राहुल गांधी जी ने कहा कि वो चुप नहीं बैठने वाले हैं, वो लोगों की आवाज उठाएंगे और बिना डरे, और जो बिन डरो मत की स्लोगन राहुल गांधी जी ने हमें दिया है, वो हम सब अब बिना डरे बीवी श्रीनिवास के आदेश पे हम वो करने जाएंगे जो वो सोच भी नहीं सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नेता मिश्रा जी।